अपना बायां हाथ पर योग दिवस के अवसर पर जो भी लोग महोबा में जो योग दिवस आज बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, पूरे जनपद के कोने कोने से बहुत सारे लोग यहाँ पर आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमारे योग गुरु भी यहाँ पर हैं, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी यहाँ पर हैं, यहाँ के माननीय सांसद चंदेल जी, यहाँ के विधायकगण, MLC और सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर सामूहिक रूप में योग दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब पूरी दुनिया योग के पीछे खड़ी है, जिस योग को लोग पहले दीन और हीन समझते थे, आज वही संजीवनी बन करके लोगों के जीवन को बढ़ा रही है, उठा रही है और बचा रही है। कोरोना काल में भी लोगों ने इस बात को महसूस किया कि योग के बिना जो तन और मन को यदि ठीक कर सकता है तो केवल योग कर सकता है। और इसमें मैं समझता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका है उसको पूरी दुनिया जितना भी सराह सके वो भी कम लगता है। आज वो अमेरिका की धरती पर वहाँ से जिस संदेश को दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग, ये जो मनुष्य है, इसकी किस तरीके से रक्षा हो सकती है, जो ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है। और वो जो तन ठीक नहीं है तब भी बेकार है और मन ठीक नहीं है तब भी आदमी बेकार है, तो इसका तन और मन को ठीक करने के जो सूत्र है योग, वो संजीवनी के रूप में पूरे विश्व में मानवता की रक्षा करेगा। और इसीलिए G20 के अवसर पर वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ पूरी दुनिया हमारा परिवार है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, ये पूरी धरती माँ है और हम उसके पुत्र पुत्रियाँ हैं। इसलिए उस धरती माँ के पुत्र पुत्री सभी सुरक्षित रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए, वो तन और मन से स्वस्थ रहने चाहिए। और आज मैं ये महोबा के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हजारों लोग जगह जगह योग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, 199 देशों में आज योग हो रहा है और मनुष्य की रक्षा का हो रहा है। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की हमने कि जब तक धरती पर कोई भी प्राणी दुखी होगा तब तक हम सुख का एहसास नहीं कर सकते, उसका ये सूत्र है। और आज सभी योगाचार्य जितने भी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है और हमारे सांसद जी के संयोजकत्व में जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं पूरी लोकसभा में, वो बहुत अद्भुत हो रहे हैं। और योग बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज लोगों को बहुत स्मरण होगा, जब भारी भगवान इंद्रदेव इतने प्रसन्न थे कि वो पुष्प वर्षा कर रहे थे और लोग जिस धरती पर योग कर रहे थे, तो ये जो आज का दिन है वो अविस्मरणीय रहेगा लोगों के लिए महोबा की धरती पर। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए